दोस्तों नमस्कार कल बड़ी अदालत में नीट के बारे में सुनवाई थी ए जी साहब ने क्या कहा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं वी वॉन्ट टू स्टार्ट काउंसलिंग फ्रॉम फिफ्टींथ जुलाई विदाउट वेटिंग फॉर द अगस्त डेट द रेस्ट वुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट प्रोविजनली एंड वुड बी कंसिडर्ड ऑन ए केस टू केस बेसिस देर इज नो अवेलेबल डेट इन नियर फ्यूचर विद टेक्नोलॉजी पार्टनर वी आर ट्राइंग

सबसे बड़ी अदालत में उन्होंने कहा था बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स की डिमांड है पोस्टपोन करने की और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ यह समस्या आ रही है कि आगे कोई डेट अवेलेबल नहीं है इतने सारे मामलों को छोड़कर इन टेक्निकल टेकनिक, ग्राउंड्स पे बड़ी अदालत ने केस को डिसमिस कर दिया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मैं इससे ज्यादा इस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता कि मानवीय भावनाओं को ध्यान में रखकर इस तरह के फैसले सामने आने चाहिए भावी डॉक्टर्स के सामने इस तरह की कठिनाइयाँ हों कि उनका सेंटर 500 किलोमीटर या हज़ार किलोमीटर दूर डाल दिया जाए तो ये एक बड़ी विडम्बना है कि इस तरह के सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती जो गूगल के इस ज़माने में भी ये भी तय नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति कहाँ रहता है उसका नीरज सेंटर क्या हो इससे ज़्यादा क्या टिप्पणी करूँ मैं अदालत का बड़ी अदालत का फैसला है दुख होता है विचलित तो होता है मन विस्मित होता है लेकिन तकनीकी चीज़ें अदालतों को तय करनी है न्याय संगत बातें होनी चाहिए न्याय संगत निर्णय आने चाहिए कुछ कहने को नहीं बचा